नमस्कार, आप देख रहे हैं lallantop.com और लल्लनटॉप की चुनाव यात्रा रायपुर से निकलकर पहुंच गई है राजिम। अब राजिम को जब आप गूगल करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलते हैं श्यामाचरण शुक्ल का जिक्र मिलता है, जो कि अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश जब हुआ करता था उसके वो तीन बार सीएम हुए। ये उनकी चलिए किस्मत रही कि उन्होंने कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन लोग इस तरह से राजिम को याद करते हैं। दूसरी याद जो इन दिनों बहुत पॉपुलर हो रही है रमन सिंह के आने के बाद से, वो है राजिम का कुंभ। जब आप रायपुर से निकलते हैं और किसी को बताते हैं कि मैं बस्तर के साइड जा रहा हूं, तो लोग कहते हैं कि राजिम ज़रूर जाना, वहां ज़रूर रुकना, क्योंकि राजिम छत्तीसगढ़ का इलाहाबाद, माफ़ कीजिएगा, प्रयागराज है जहां पे कुंभ भरता है। और जिस तरह से इलाहाबाद के बारे में बात होती है, उस तरह से राजिम में भी तीन नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम। तो जब हम यहाँ पर आए, हमने कुछ लोगों से बात की, तो हमें धीरे धीरे ये मालूम चला कि जो कुंभ है और जिस तरह से आज उस कुंभ का परिचय दिया जाता है, वो समय के साथ इवॉल्व हुआ है और उसकी अच्छी खासी रीब्रांडिंग हुई है, जिसके बहुत आप ये कहिए कि उसको एक नए तरह से पेश की जाने की कोशिश हुई है, और उसका फ़ायदा नुकसान जिसे मिलेगा उस पर भी बात करेंगे। तो हमने लल्लनटॉप के दोस्त हैं यहाँ पे आशीष शिंदे जी, इन्होंने बहुत लंबे समय तक के पत्रकारिता की है, अब वकालत करते हैं, राजिम के लोकल हैं, और इनसे हमने कहा कि जो कुंभ वाला जो इलाका है उसका एक हमको छोटा सा टूर करा दीजिए, ताकि हमारे दोस्त जो लल्लनटॉप के हैं, जो इलेक्शन कवरेज देख रहे हैं, वो जान सके कि क्या परंपरा थी और भविष्य के लिए किस तरह से उसे गवर्नमेंट किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रही है। तो पहले तो आप ये बता रहे थे कि कुंभ हमें सही बताया गया, लेकिन कुंभ नहीं, वो कल्प कुंभ है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं वैसे यहाँ पर मेरे चेहरे के सामने तरफ? ये महानदी है। हाँ, ये जो सामने आपको पुल जिस पट्टी पे नज़र आ रहा है, ये महानदी है। और मेरे जस्ट पीठ के पीछे ये दो नदियां हैं, जिसको जो ये पुल है इस तरफ, ये तीनों नदियों का संगम है। अच्छा, वो संगम है ये? संगम हम जहाँ खड़े हैं संगम है ये। अच्छा, तीनों मिलता है और पैरी और सोढ़ू है। अच्छा, ये महानदी, पैरी और सोढ़ू, तो तीन मिला के त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कहलाता है ये। अच्छा, और इस पे जो पुराने ज़माने से जो कल्प कुंभ आप कह रहे हैं, वो परंपरा क्या थी? ये राजी लोचन जी का मंदिर जो है छठी शताब्दी से निर्मित है, लिखा हुआ है मोनूमेंट्स में, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ और मेरी जानकारी में है, और जो अपने बुजुर्गों से सुनते आया हूँ। और इस कुलेश्वर मंदिर के बारे में मेरे अच्छा, बड़े राजीव लोचन हम जाएंगे एक दूसरे वीडियो में, आपको राजीव लोचन मंदिर भी दिखाएंगे। फिलहाल हम संगम के बीचों बीच खड़े हैं। अगर ये मानसून हो, मानसून की अगर बारिश होती और बाढ़ का समय होता, तो शायद हम यहाँ नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि कई बार ये जगह जब पानी बढ़ता है तो डूब जाती है। संगम के बीचों बीच एक कुलेश्वर मंदिर है, जिसकी बहुत लंबी मान्यता है, लोगों के बीच में काफ़ी आस्था है, और उसको लेके काफ़ी सारी दंत कथाएँ हैं, वहाँ भी बताएंगे। हाँ, तो हम अभी खड़े हैं, ये कुलेश्वर मंदिर है। ये कुलेश्वर नाथ जी का मंदिर है, देवाधिदेव कुलेश्वर बोलते हैं, बहुत आस्था है लोगों में। अच्छा, किन का स्वरूप है ये? शिव जी का। अच्छा, मंदिर भी और हैं। जी जी, शिव जी का मंदिर है, और माना जाता है कि श्री राम जी जब वनवास पे थे तो इसी रास्ते से सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ गुजरे थे, तो प्रतिदिन की तरह अपने आराध्य शिव जी की पूजा करते थे, तो सीता माता स्वयं हाथों से इस शिवलिंग का निर्माण की थी, और कहा ये मान्यता है। मान्यता है, ठीक है। फिर और उनके और उस वो शिवलिंग उनके यही है कि उन्होंने शिवलिंग बनाया, उन्होंने शिवलिंग बनाया और यहाँ से पूजा। लेकिन क्या इस बात की जानकारी है कि जो शिवलिंग, चलिए ठीक है, उस वक्त हुआ होगा, जो मंदिर आज हम देखते हैं, ये तो समझ में आता है देख के कि जो मध्यकाल रहा होगा, जो मिडिवल पीरियड है, उनके समय की तो बनावट है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है इस बारे में जानकारी कि किन्होंने ये मंदिर तामील किया? यहाँ पर एक राजा भोज करके थे, राजा जगतपाल सिंह। अच्छा, वो राजी लोचन का जीर्णोद्धार कराए थे, तो मेरे को लगता है उसी समय का ये भी बना हुआ है ये। अच्छा, और ये गर्भगृह मंदिर का? ये मंदिर का गर्भ भी है, और पुरातत्व विभाग द्वारा इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि यहाँ फल फूल पत्ते, पहले तो क्या केमिकल वाले नहीं होते थे, अगरबत्ती है, धूप है और इत्र वगैरह डालते थे, अब सब केमिकल, तो धीरे धीरे उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंच रहा था, तो इसपे इसको थोड़ा संरक्षित किया गया, प्रोटेक्शन दिया गया इसको। अच्छा, ये जाली रखी गई है। और ये वो शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वन गमन चल रहा था, तब उन्होंने जब यहाँ पे आचमन की पूजा की होगी, और उसके बाद उन्होंने ये बनाया था। और मंडप के अब हम बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे यहाँ के पुजारी जी भी हैं, और इस मंदिर को लेके जो अलग अलग परंपराएं हैं, उसमें से एक खास बात जो हमें बताई गई, मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा पंडित जी से बात कर लेता हूँ, तो मुझे टोका गया कि वो नहीं, पंडित जी नहीं, उनको पुजारी जी कहो, और उसका कारण क्या है उस पर भी आएंगे।
पुजारी जी हैं यहाँ के, नरेंद्र सिंह ठाकुर इनका नाम है, और ये यहाँ के भी पुजारी हैं और ये राजीव लोचन मंदिर में भी जाते हैं। क्या मान्यता इस बारे में, क्या मान्यता है कि ये किसने बनाया था? ये 8वीं-9वीं सदी के मंदिर है जिस समय रामचंद्र जी वनवास आए थे। ये कहानी तो बताई इन्होंने, बता दिए। अच्छा, और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? कि क्या हम ये जानते हैं कि जैसे शिवलिंग तो बनाया था, हाँ, जो कथा है, मंदिर किसने बनाया इसमें बाद में आके? मंदिर तो यानी विश्वकर्मा के द्वारा बनाया है। अच्छा, ये दूसरी कथा है कि विश्वकर्मा आए थे मंदिर बनाने के लिए। और आप कब से देख रहे हैं यहाँ पे कुंभ लगते हुए? कुंभ तो हमारे पूर्वजों से देखते चले आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ गूंजती होगी आवाज़, हम बाहर चलेंगे। ये मंदिर का मंडप है। मेला 2003 से कुंभ मेला। मैं वही पूछ रहा था कि जो जैसे जो पहले भी आप बता रहे थे कि मेला तो बहुत पुराना है, लेकिन उसको कुंभ नाम इन्होंने 2003 में दिया, तो वो मेला कैसा भरता था? पहले आवागमन के साधन नहीं थे, जिस वजह से माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक मेला लगता था, और अब आवागमन के साधन होने की वजह से मात्र 2-3 रोज का मेला रहता है। 2-3 रोज का। और जो आप बता रहे थे कि पहले व्यापारी आके यहाँ रुक जाया करते थे, इसलिए उसका टाइम लंबा होता था। पहले ऐसा होता था कि जो व्यापारी चला करता था यहाँ मेले में आने के लिए राजिम, वो जितना खर्च और जितना समय उसको आने में लगता था तो वो तुरंत वसूल नहीं होता था, इसलिए वो कुछ दिन राजिम रुका करता था। इसलिए मेरे ख्याल मेले की अवधि, मेला की अवधि 1 महीने के करीब था उसमें। अच्छा, तो ये था इस राजिम के कुंभ का, या राजिम का जो मेला कहते हैं कल्प कुंभ, उसका अतीत। अब आपको भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। भविष्य की तस्वीर ये है कि 2003 में जब रमन सिंह सरकार आती है, तो रमन सिंह सरकार ने इसे रीब्रांड करने की बहुत कोशिश की है, और उन्होंने इसे कुंभ कह के प्रचार किया है इसका। और बाकी कुंभ जो होते हैं वो भले 4 साल में होते हों, लेकिन ये कुंभ एक ऐसा है जो हर साल जनवरी के अंत में या कभी फरवरी महीने में होता है। और इसको लेके बड़े स्केल पे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी चालू हुए हैं, जो आपको सामने काम दिख रहा है। यहाँ पे एक लक्ष्मण झूला इसे कहा जा रहा है, ये प्रपोज्ड है, और ये उसी का काम अभी चल रहा है। हमारे देश में सियासत और धर्म एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते नहीं हैं, और जब बात राम की आती है और राम के वन गमन की आती है, तो खासकर भाजपा जो है वो उसे कैश करने से नहीं चूकती है। तो राम के वन गमन पद की बात मध्य प्रदेश में भी हुई थी, और उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार को भी ये मुफीद लगा होगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसे कैपिटलाइज करके, डेवलप करके आगे बढ़ा जा सकता है, लोगों में अपनी पैठ बनाई जा सकती है, तो वो ये कुंभ हो सकता है। और मुझे बताया गया कि भले ही इसका आयोजन 2003 के साथ से ही हो रहा है, लेकिन सरकार इसको लेकर इतनी सीरियस रहती है कि यहाँ पे 90 के 90 विधायकों को दावत दी जाती है, और इतना असर है इस पूरी घटना का, इस पूरे फिनोमेना को जो धीरे धीरे यहाँ पे आकार ले रहा है, कि 90 के 90 विधायक यहाँ पे आते भी हैं। एक चीज़ और मुझे जाननी थी कि ये कैसे हुआ, जैसे जब मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि इस मंदिर की परंपरा में ऐसा है कि पंडित जी मत बोलिए, पुजारी जी बोलिए। यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो ठाकुर समाज से होते हैं, वो ब्राह्मण समाज से नहीं होते हैं, ये परंपरा कब से है? ये हमारे खानदानी से चला आ रहा है। अच्छा, तो आपके पिताजी हमारे थे, फिर आप हैं, फिर आप यहाँ से वंशानुगत चला आ रहा है। अच्छा, ये वंशानुगत चला आ रहा है, तो आपके आपके पुत्र यहाँ पे होंगे? हाँ, हमारे इसमें क्या है, लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा, तो वो एक फैमिली लाइन में चल रहा है, ठीक है। और क्या कभी कोई विवाद की स्थिति कभी रही है कि नहीं ठाकुर कैसे पूजा कर रहे हैं? ऐसा कोई विवाद नहीं है, ऐसा कोई नहीं, ये एक मतलब लोक मान्यताएं हैं, इसको लेके कोई बहस नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जा रहा है। कुंभ की हमने बात कर ली, आपको नदियां दिखा दी, आपको नदी का पानी भी दिखा दिया। एक चीज़ साथ में और बता देते हैं कि ये इलाका, आप बता रहे थे कि ये 3 जिलों की सीमा भी है। 3 जिलों की सीमा है। अच्छा, कौन कौन सा है? ये धमतरी जिला है, पहले जो आपको अभी कैमरे पे दिख रहा है स्क्रीन पे, वो धमतरी जिला है। अच्छा, पहले रायपुर होता था, पहले अविभाजित रायपुर में थे ये सब, धमतरी बहुत बड़ा जिला हुआ था। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनने के बाद प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, अच्छा, उन्होंने यहाँ पर नए जिलों का निर्माण किया, जिसके कारण आज लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। और आपके जस्ट पीछे दाएं हाथ बाएं हाथ से पीछे है वो गरियाबंद जिला है। अच्छा, और इधर सामने मेरे हाथ के उसमें ये रायपुर जिला पड़ता है। अच्छा, वो थोड़ा सा उस तरफ दिखा देते हैं मनोज इनको, ये रायपुर जिला है जो उस तरफ दिख रहा है, ये रायपुर जिला। अच्छा, तो और इसको लेके थोड़ा सा मतलब लोगों को काफ़ी दिक्कत भी होती है कि 3 जिलों में जब ज्यूरिसडिक्शन बटा होता है तो सरकार क्योंकि हद के हिसाब से काम करती है, इसलिए बहुत रेजिस्टेंस भी है। हमें सुबह भी इस तरह के मैसेजेस मिले थे कि आप राजीम आ रहे हैं, तो इस बात को ज़रूर बताएं
कि यहाँ की समस्याएं, जैसे राजिम तो अपने आप में एक विधानसभा है, लेकिन यहाँ से लगे हुए जो इलाके हैं तो जो काम होता है विधानसभा का वो ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से होता है कि अगर यहाँ तक राजिम है तो वो यहाँ तक का काम करवाएंगे, कोई गांव अगर वहाँ पे तो वहाँ पे नहीं होगा। तो ये एक यहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बसाहट हद के बहुत आसपास हुई है, जो बड़े क्लिशेड लाइन हो जाती है कि लोगों को लाइनों ने बांट दिया है ना, तो वैसा यहाँ पे भी हो रहा है देश के अंदर ही। बाकी कुंभ की रिब्रांडिंग के बारे में हमने आपको बताया और यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में बताया। राजिम की पॉलिटिक्स में एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ पे जो पुराने समय से राजीव लोचन मंदिर है और तेलिन भक्तिन का मंदिर है, उसको लेके नई तरह से, जो आप ये कहिए कि नई कहानियाँ सामने आ रही हैं और नए तरह से उनका इस्तेमाल पॉलिटिक्स में और जो सोशल लाइफ है उसको नई शक्ल देने के लिए किया जा रहा है, वो सारी कहानियाँ आपको बताएंगे। देखते रहिए ललन टॉप की चुनाव यात्रा। बहुत बहुत शुक्रिया।